अपनी टफली अपना मार्ग का राग छोड़ें और सद्भावना के भाव को जगाएं। आपसी सद्भाव और प्रेम के बिना जीवन में सुख नहीं आ सकता। लोग सुख को पाना तो चाहते हैं, लेकिन सुख के मार्ग पर चलना नहीं चाहते। इस मार्ग पर चलने के अनेक साधन हैं, लेकिन पदयात्रा सबसे अच्छा साधन होता है, जिसमें कोई रुकावट नहीं होती। कर्मों के उदय से कोई छूट नहीं सकता, लेकिन भक्ति के मार्ग पर चलकर कर्मों की धारा को बदला जा सकता है। ये उद्गार गुरुवार को राष्ट्रसंत आचार्य विद्यासागर महाराज ने हबीबगंज जैन मंदिर में आयोजित प्रवचन में कहे। रक्षाबंधन के मौके पर उन्होंने सद्भावना का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन हमें वात्सल्य सिखाता है। आप लौकिक शिक्षा के कारण परस्पर वात्सल्य से दूर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृत्रिम मनुष्य बिना दिया रोबोट के रूप में है, परंतु सम्यक दर्शन के भाव उसमें नहीं आ सकते। संवेदनहीनता का नाम जीवन नहीं होता। आज के दिन मुनिराजों की रक्षा का जो प्रसंग हुआ था, वो हमें प्रेरणा देता रहता है कि हम निज धर्म की रक्षा की तरफ भी कदम बढ़ाएंगे तो मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। हाँ, गाय का जो बछड़ा आज का है वो आज का नहीं, वो भी सीनियर है, वो पुराना आसामी है, पूर्व भोग के संस्कार लेकर के यहाँ पर आया है। आप लोग और बातों में लग जाते हैं, क्या लगे हो बातों में? वो रो रहा है, रो नहीं रहा, वो अपनी भाषा में बोलता है, नहीं समझे? अपनी भाषा में वो बोल दे तो कोई नहीं सुनेगा, वो रोने के माध्यम से सुनाता है तो अपने आप कैया को समझ में आ जाती है, तो वह अपना बिना इधर उधर के बातें किए काम कर जाती। तो यह कार्य आप लोगों के लिए प्रशिक्षण का नहीं था, लेकिन फिर भी आप बहुत पढ़े लिखे हो गए, इसलिए ऐसा हो गया, क्योंकि किताबों में तो चित्र भी नहीं मिलते, न गाय का चित्र, चित्र नहीं मिलेगा, उसका वध का मिलेगा, पालन का नहीं मिलेगा। ये आप लोगों की पढ़ाई होने के कारण सम्यक दर्शन के साथ भी वही बातें रखी गई है। प्रभावना चाहते हो तो ये भावना पहले रखो। प्रभावना के निमित्त से हम भावना क्या करना चाह रहे हैं ये नहीं कोई बताता है, तो भावना ये होना चाहिए परस्पर में वात्सल्य होना चाहिए। यह त्योहार, यह पर्व का दिन आपको यही बता रहा है। मतलब ये कितनी अच्छी बात है ये, कि सम्यक दर्शन के बिना चारित्र चारित्र नहीं है, ज्ञान ज्ञान नहीं है, तो सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप है, उसके लिए आठ ये अंग बताए हैं। अंग का अर्थ ही बता दिया, इस एक के अभाव में उसका कोई भी